according to me, like film stars used to be really slim and really looking like good looking people. So in my mind I was like, we should be slim to become a film star. That body image doesn't make any sense. We have to be good from our heart and good from our way of helping, so it changes our body language for others. मेरे पापा और मम्मी के थॉट्स थे कि तू लड़की है तू फुटबॉल नहीं खेल सकती, बट मैंने उनको बोला कि मेरा भाई सब कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती, आप लोग के वजह से मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलती है. तो मैंने उनसे उनको भी शिक्षा मैंने इसके थ्रू उनको भी मैंने उनका भी माइंड चेंज किया. हम लोग फुटबॉल के लिए गए थे, तब हम लोग के बाजू के एरिया में से लड़के लोग आए थे, हम लोग के साथ बहुत गलत कर रहे थे. दे स्टार्टेड मेकिंग फन ऑफ आवर बॉडी इमेजेस, दे स्टार्टिंग लेइंग ऑन अस एंड ट्राई टू टच अस. देन वी रिमेंबर दैट रिसेंटली दे हैज टीचर्स अस दैट गर्ल्स आर आल्सो एज पावरफुल एज बॉयज. दैट्स व्हाई वी शोड करेज एंड वी गॉन टू दैट बॉयज एंड मेक देम दैट बॉयज रन अवे. तो एक लड़का था, मतलब उसको सेक्स के बारे में बहुत क्यूरियस था, वो लोग कि उसको पता करना था कि क्या होता है. तो वो लोग पॉइंट्स देखते थे, तो एक दिन वो सिर्फ पॉइंट्स देख रहे थे और वो बहुत एक्साइटेड थे कि मतलब कैसा होगा. तो उसके लिए उसने बहुत सारे पैसे खर्च किए अपने और अपने मम्मी पापा से चोरी की उसके लिए देखने के लिए सिर्फ वो. और फिर उसके बाद उसने एक लड़की थी उसकी बेस्ट फ्रेंड, उसके साथ उसने किस करने की भी कोशिश की जो बहुत ही बेकार था. और उसके बाद उसको अरेस्ट भी कर लिया था किसी भी, वो सिर्फ इसकी वजह से था क्योंकि उसको उसके स्कूल में सेक्स एजुकेशन नहीं थी. तो बस मैं इससे ये बताना चाहती हूँ कि कुछ कुछ बच्चे क्राइम कर देते हैं क्योंकि उनके स्कूल में सेक्स एजुकेशन नहीं है, उनको मालूम ही नहीं है वो क्या होता है. इफ़ वी आर अट्रैक्टिव टू समवन वी केयर अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस. देयर इज नथिंग दैट बॉयज कैन डू बेटर देन अस. वी वांट टू स्प्रेड सीड्स ऑफ अवेयरनेस. सीड्स ऑफ अवेयरनेस चेंज देयर लाइफ.